अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ अली एक्सप्रेस पर शॉपिंग से मुतल्लिक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ऐसे कुछ माह पहले मैंने अली एक्सप्रेस पर कुछ चीज़ें बाई की थी, जो कि एक लंबे इंतज़ार के बाद मुझे वसूल हो गई। उनकी डिलीवरी में तकरीबन 3 माह का वक्त लगा। इतना डिले कोरोना वायरस की वजह से हुआ, लेकिन बिलाखिर वो मुझे मिल ही नहीं। उन चीज़ों में कुछ मैंने मास्क खरीदे थे, इसके अलावा एक कैमरे की एक्सेसरीज थी और एक कैमरा था जो कि सबसे महंगा था। ये कैमरा जो सबसे महंगी चीज़ थी वो अभी तक नहीं मिला। उसकी ट्रैकिंग जो थी वो लास्ट जून में अपडेट हुई थी कि वो पाकिस्तान शिप कर दिया हुआ, लेकिन उसके बाद से उसकी ट्रैकिंग अपडेट नहीं हुई। ऐसे लगता है कि वो गुम हो गया, लेकिन मैं होप करता हूँ कि वो मुझे मिल जाएगा। मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने अली एक्सप्रेस से शॉप की है। ये एक कैमरे की एक्सेसरी है जो बाईसाइकिल पर लगती है, ये मिली तकरीबन 3 माह बाद। ये मुझे मिली पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए से। के साथ ही ये एक कैमरे की चेस्ट बेल्ट है जो इसके साथ ही डिलीवर हुई थी। ये चेस्ट पर बांधने के लिए होती है। ये कैमरे की एक्शन कैमरे की एक्सेसरी है। के बाद मुझे ये मास्क, जो मैंने कोरोना वायरस चल रहा था तो मैंने सोचा मास्क ऑर्डर करता हूँ, लेकिन ये मुझे काफ़ी तखीर से मिले। ये क्लॉथ मास्क है। काफ़ी अच्छे मास्क हैं ये। उसके बाद ये कुछ बेबी मास्क थे जो मैंने ऑर्डर किए। ये बच्चों के लिए हैं, कलरफुल बेबी मास्क। ये काफ़ी महंगे थे। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। मास्क भी बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वहाँ पे वेबसाइट पर थे, लेकिन इनमें से जो सबसे महंगी चीज़ थी वो एक कैमरा था जो मैंने ऑर्डर किया। इस तरह का कैमरा था। ये SJ Cam 6 है, वो SJ Cam 4 था जो कि अभी तक मुझे नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ वो भी मुझे मिल जाएगा।
अगर आप अली एक्सप्रेस पर शॉपिंग करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन, एक्शन कैमरास और दूसरी बैटरी वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें ना खरीदें, क्योंकि ये यहाँ पर जब आएंगी तो हो सकता है कस्टमर इनको रोक लें, तो आपको बुलाएं और आपको कॉल करें। इसके अलावा जो कपड़े हो गए, मोबाइल की एक्सेसरीज़ हो गई, एक्शन कैमराज की एक्सेसरीज़ हो गई, कंप्यूटर की एक्सेसरीज़ हो गई, ये आप मंगवा सकते हैं क्योंकि ये सस्ती होती हैं। इसके अलावा कपड़े हैं वो आप मंगवा सकते हैं, उनमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। जो मैंने ये नोट किया है कि जो बैटरी वाली चीज़ें होती हैं उनमें उनकी शिपिंग में मसला आता है। मैंने ये कोशिश की थी कि मैंने जो कैमरा मंगवाया वो मैंने DHL के ज़रिए मंगवाना चाहता था, लेकिन जो सेलर था उसने कहा कि DHL बैटरी वाली चीज़ें शिप नहीं करता, लिहाजा मुझे वो स्टैंडर्ड शिपिंग के ज़रिए ही मंगाना पड़ा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।